बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, औलाद जब बड़ी होती है और माँ बाप जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो औलाद उनका सहारा बनती है। ख़ास तौर पे जो बेटे होते हैं, बाप को जब वो बुढ़ापे में होता है उसे बड़ा मान होता है कि ये मेरे बाजू हैं और ये उम्र के इस हिस्से में मेरा साथ देंगे, मेरा उसी तरह ख्याल करेंगे जिस तरह मैंने इनका जब ये पैदा हुए बचपन में इनका ख्याल किया, इन्हें इनकी हर ज़रूरत पूरी की, इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। और अब जब वो अपने काबिल हो गए हैं, अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, वो कमाना शुरू हो गए हैं, तो अब वो मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन लाहौर शहर में एक ऐसा अनोखा वाक़या पेश आया कि इन जवान बच्चों ने, इन बेटों ने अपनी वालदा के साथ मिलके अपने वालिद को अगवा किया और अपने ही घर में कैद किया, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, रस्सियों से उसे बांध दिया। और उसके पीछे वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि 3 मरले का मकान था जो वो हथियाना चाहते थे, जो अपने नाम करवाना चाह रहे थे। इस वालिद ने अपनी बीवी को इन्हीं हरकत की वजह से तलाक दे दी और बच्चों को आग कर दिया था जायदाद से, क्योंकि ये कत्ल की धमकियां देते थे कि ये सारी जायदाद हमारे हवाले कर दो वरना हम कत्ल कर देंगे। तो इस गुस्से में इस वालिद ने इन तमाम बच्चों को, अपनी औलाद को जायदाद से आग कर दिया था। आपने जराइम की कई दास्तानें देखी होंगी, अगवा और कत्ल की साजिश जैसे घनावने जराइम पर टीम मुजरिम कौन ने भी कई प्रोग्राम आपको दिखाए हैं। आज की जो दास्तान हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो आपके वहमो गुमान में बिना होगी। कैसे बच्चे माँ के साथ मिलकर बाप ही की जिंदगी के दुश्मन हो गए, क्यों बेटों ने बाप को रस्सियों में जकड़कर सारी रात तशद्दुद का निशाना बनाया, क्या बेटे सिर्फ 3 मरले के मकान के लिए बाप के कत्ल की साजिश रचा रहे थे, क्या बेटों ने जिंदा बाप की कब्र खोद डाली थी, क्या माँ ने बेटों को उकसाया था कि वो बाप पर तशद्दुद करके जायदाद हथिया लें, कैसे रस्सियों में जकड़े बाप ने हमसाई को जुल्म की दास्तान बताकर मदद मांगी, पुलिस ने अगवा होने वाले को बाजियाब करवाकर कैसे बेटों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, तमाम सबूत मिलने के बावजूद क्यों तफ्तीशी ने रिश्वत का तकाजा किया। लाजमी देखिए, 3 मरले के मकान के लालच में खून सफेद हो गया, बेटे बाप के दुश्मन बन गए। हम इनसे पूछते ये कहाँ के रहने वाले हैं, कितनी जायदाद का मामला है और ये अगवा करने में कौन कौन इसमें मुलव्वस था, और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दह चीज़ है वो ये है कि जब ये सारा मामला हो गया, इन सबको गिरफ़्तार कर लिया, तो अगला किरदार अदा किया पुलिस ने। पुलिस ने क्या किरदार अदा किया वो भी आपको बताएंगे, इनसे बात शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फरियाज जी। सर फरियाज साहब, कितने बच्चे हैं आप? 3 बेटे जी। 3 बेटे जी। क्या काम करते हैं आप सर, और बेटे क्या करते हैं? वो बेटे भी काम करते, एक मेरे नाल हुंदा तो फैक्ट्री काम करता, 2 बार और पैसे फैक्ट्री काम करते। आप फैक्ट्री में मुलाजम हैं? हाँ जी, मुलाजम जी जी। ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ था, फैक्ट्री से आप घर पे आ रहे थे? हाँ, एक आ रहा है, वो भी ड्यूटी करके आ रहे हैं, मम्मी आ रहे हैं, एक ही फैक्ट्री जी जी। जो जवेद बेटा है वो भी ड्यूटी करके आ रहे हैं, उन्हें सर प्रोग्राम पहले बनाया सी जी, अज इन फड़ के पैक करिए, कोई 2 हथ करिए, इस तरह अगवा करने का मनसूबा पहले से बनाया था? आप उन्हें बंदो पहले इंतजाम किया था। फैक्ट्री से ही अगवा कर लिया? नहीं, तो सुंदर शेड के बाहर आने के बाहर जब आप आए हैं, बाहर आए हाँ जी, ड्यूटी खत्म करने के बाद? हाँ जी, ड्यूटी तो बाद 10 बजे के, 10:30 बजे। एक आपका बेटा था? हाँ जी। उसके अलावा और कौन लोग थे साथ? वो शियाज सी, नाल एक बीवी सी, ते ऐसा एक नाल तीन बंदे। आपने तलाक दे दी? हाँ, तलाक दे दी। कितनी देर होगी? हो गए 6 महीने हो चले। 6 महीने पहले तलाक दी? हाँ जी हाँ जी। इन्हीं वजूहत की वजह से? हाँ जी। सारे मसले चल रहे थे? हाँ जी, चलते। अच्छा, ये सारे आए हैं जी, आपको अगवा किया जी जी? हाँ, गाड़ी में आए थे? ये गाड़ी जाए, गाड़ी लेके आए यार। अच्छा, ये ना धक्के ना लैके गया, गाड़ी में बैठा के ले गए? ये ले गए। कहाँ पे लेकर गए? ये मैंने ले गए 11-10 बजे नाल। कहाँ पे लेके गए? रात दे वेले। कहाँ पे, किस जगह लेकर गए? रायवंड शहर दे विच। रायवंड लेके? हाँ, रायवंड दे। वहाँ पे किसी घर पे, मकान पे, कहाँ पे? मेरी जगह है मल दे विच, मल पिंड दे विच, ओना रायश रायवंड दे विच। हाँ, वो भी जगह मैं ही लेके दित्ती है। घर में अभी ये बच्चे रह रहे हैं? बेटे रह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, वो भी जगह मैं ही लेके दी, अपनी कमाई करके लेके। आपने लेके दी हुई जगह? जी जी। उसी घर में रह रहे हैं? वही घर है जी। अब ये जो मेरे का मकान था उस पे नजर थी उनकी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आपको अगवा करके वहाँ पे ले गए? वो अगवा ले जाके क्या किया आपके साथ? वो ना मैंने मारे ना, कहा तू इतने रह, तेन उ नहीं जान देना है। हैरत है, बेटों ने ही अपने बाप को अगवा कर लिया, कैसे बेटों ने बाप पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, ऐसी कौन सी वजह थी कि बेटों ने बाप ही को अगवा कर लिया? उन्होंने फिर मेरे हाथ बांध देते, हाथ बांध के अंदर कमरे बंद कर देता, बंद के फिर मैंने सारा बांध देता,
ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਟਾਂਗੋਂ ਨੂੰ ਟਾਂਗੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਬੰਦਾ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਟੇਬ ਲਾਈ ਵੱਡੀ ਟੇਬ ਲਾਈ ਆ ਅੱਛਾ ਟੇਬ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਟੇਬ ਲਾਈ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਲੱਗ ਸਾਹੇ ਪਾਏ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਲੱਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਕੋ ਬੰਨ੍ਹ ਸਾਰਾ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀ ਥਾ ਉਨਕਾ ਉਹ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਥਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਆ ਤੇ ਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਹਾਂ अच्छा ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਠੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮਰਲੇ ਜਗਾ ਤਿੰਨ ਮਰਲੇ ਜਗਾ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਹੋਗੀ ਚਾਚਾ ਉਹ ਹੋਣੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਇਹ ਕਹਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾਓ ਇਨਕਾਰ ਕੀ ਆਪਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜਵੇਦ ਨੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਰਕਿਆ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਰਾ ਸ਼ਿਆਦ ਨੇ ਬੇਟਾ ਬਾਪੇ ਹੱਥ ਉਠਾਤਾ ਰਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਤਾ ਰਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਬੀਵੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖੇ ਆ ਕਿਸ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਾ ਉਹਨੇ ਜਵੇਦ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਿਆਦ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਔਰ ਸਜਾਜ ਜੋ ਹਮਸਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨ ਮੇਰੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਾ ਹਾਂ ਦੋਨ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੋਆ ਕੱਢਿਆ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਟੋਕਾ ਰੱਖਿਆ ਟੋਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਦਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਦਾ ਟੋਆ ਕੱਢਿਆ ਬਤਾ ਕੇ ਟੋਆ ਕੱਢਿਆ ਅਗਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਆ ਨਾ ਮਾਨੇ ਤੋ ਇਸਮੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਕਾ ਵੀ ਦਿਖਾਤੇ ਰਹੇ ਟੋਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਟੋਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਗਟਰ ਇਹ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਛਾ ਛੰਡ ਦੇਾਂਗੇ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂਗੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੀਆ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨਾਲ ਟੇਪ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਤਰਲੇ ਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ खून सफेद हो गया। बेटों ने जायदाद के कागजात पर अंगूठा लगवाने के लिए बाप को अगवा किया। क्या जायदाद हथियाने के बाद बेटे बाप को कत्ल कर देने वाले थे? क्या बेटों ने जिंदा बाप की कब्र तक खोद डाली थी? मैंने उन्हें बड़ा मारा, ऐसे सोटियां ना मारा था। अच्छा, कितनी देर ये सब कुछ करते रहे? तशद्दुद ये सुबह रात 11 बजे तो लग के सुबह 7 बजे तक 8 घंटे में सतत तशद्दुद करते रहे सारी रात। बिल्कुल सही रहा। कुछ पानी का घूंट भी नहीं कोई भी नहीं पानी उन्होंने पानी भी बंद करता बत्ती भी अंदर बंद कर दी। अच्छा आज शह बंद की थी इतनी तवशी भी जमा अंदर तंदूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ बीवी भी आपकी जिसे आपने तलाक दे दी वो भी उधर वो भी ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਸਰ। ਉਹ ਆ ਬੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਬੰਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜਿਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬੇੜੋ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੇੜੋ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਬਾਪ ਕੇ ਸਾਥ। ਇਸ ਬਾਪ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਆ ਜੀ ਜੀ ਬੜਾ ਕੀਆ ਜਵਾਨ ਕੀਆ ਸਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਮਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਇਦਾ ਚਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਆ ਆਪਨੇ? ਉਹ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਰਤੇ ਪੀਟਦੇ ਰਹੇ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਮਸਾਇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਚਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਥਾ ਉਹ ਏਸੀ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਿੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਮੈਂ ਥਲੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੇਡ ਉੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਰਿੰਗ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲੇਟ ਕਰ ਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਲੰਬਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੱਧਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਚਿਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦੰਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੰਦ ਸਾਥ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤਲਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਤਲਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਆਪਕੇ ਭਾਈਓ ਕੋ ਇਤਲਾ ਦੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਮੇ ਇਤਲਾ ਦੀ ਤਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਐ ਸਾਰੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲੀ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਬੇਟੋਂ ਕੋ ਆਪਕੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਾ ਪੀਟਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਹੱਲੇ ਮੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭਾਈਓ ਕੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਉਂ ਪਤਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਸੀੜੀ ਲਾਈ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਬੈਠੇ ਸੁਬਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਤੀ ਹੈ? ਸੁਬਹ ਪੁਲਿਸ ਆਈ 7:30 ਵਜੇ 7:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤੜਫਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਬੈਠਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸੰਗ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰੋਤੇ ਰਹੇ ਚੀਕਦੇ ਰਹੇ। बाप साबका बीवी और बेटों की मिन्नत समाजत करता रहा। बेटे माँ के उकसाने पर रात भर बाप पर जुल्म ढाते रहे। पुलिस ने कैसे मुगवी बाप को बाजियाब करवाया, वीडियो खुद देख लीजिए। ऐ
ये मनाजिर उस वक्त के हैं जब डॉल्फिन जाए वकुआ पर पहुंची थी। डॉल्फिन फोर्स का एहलकार ही मुगवी के हाथ खोल रहा है और दूसरा एहलकार मुगवी के टेप बंधे पांव खुलवा रहा है। मुगवी की हालत बता रही है कि उस पर तशद्दुद होता रहा है। ये मनाजिर उस वक्त के हैं जब डॉल्फिन जाए वकुआ पर पहुंची थी। डॉल्फिन फोर्स का एहलकार ही मुगवी के हाथ खोल रहा है और दूसरा एहलकार मुगवी के टेप बंधे पांव खुलवा रहा है। मुगवी की हालत बता रही है कि उस पर तशद्दुद होता रहा है। उस वक्त कितनी मिन्नतें की होंगी, कितनी इन लोगों से फरियाद की होगी कि छोड़ दो सर मुझे। मैं उस रात जब ये मार रहे थे लोकी महल मसाए जड़े रात इस करके नहीं दरवाजा खिलाने हो सके औरत का की गल है औरत जाके साढ़े तो केस पा दे। अच्छा पता चल गया था। पता लग गया सी औरत नु इस करके फिर रात उठ के वो जाते नहीं सी भी जी असि कहे इनका दरवाजा भन्नी है या लोगों ने ये समझा इनका कोई घर का मामला है। हाँ इनका जाति मामला है तो ना जाए। हाँ जी वो इस वजह तो फिर रात ना मामले मसले च रात नहीं आए उस दिन जो पुलिस आई है ना जो फिर मेरे भाई आए आ उस पूरा महल ने पुलिस आई पुलिस ने आके सारी पट्टियां खोली। हाँ जी बिल्कुल खोली आके हाथ पांव जो बांधे हुए थे वो सारे खोले रस्सियां वटियां ए मेरा भाई उत्ते आ हर काम पुलिस ने आके उत्ते की थी सारा कुछ किया और उन सबको वहीं से गिरफ्तार किए वहीं दबोचा ने। जी जी हाँ जी सारे अंदर थे बिल्कुल सारे सबको गिरफ्तार किया। सारे ने फाड़ लिया उस मौके पे जो 8 घंटे गुजरे। जी जी कभी सोचा हुआ था कि औलाद ये सब कुछ करेगी जिंदगी में कभी सोचा था सर मेरे जेन ची नहीं सी काम भी मेरे नाल होना जे मैनू पता नहीं है सब कुछ कर सकती मैनू पता हुंदा तो फिर मैं को अपना को बंदोबस्त कर लैंदा इस काम दा विच मैनू पता ही नहीं सी मेरे नाल चांस होना। तो बीवी को वास्ते नहीं दिए उस वक्त औलाद को वास्ते नहीं दिए खुदा का वास्ते मुझे छोड़ो गर्मी में बंद किया पानी का सिर्फ बीवी मेरे जगह दी सिर कब्जे च सी और बीवी मेरे वसन दे विच जेड़ी राजी मेरे नाल नहीं सी होया वो जगह दे कब्जे फिर जगह जेड़ी है साडे च आ जा। वो एक तो हमसाया था ना उसे तो लालच दिया हुआ था बेटे को बीवी को एक लम्हे के लिए भी तरस नहीं आया बस नहीं तरस आया उन्होंने देखो निके निके जमया पालिया जवान किया जो कमाइया कमाइया करना के जगह ला के थी 6 मरले जगह ला दी 22-23 लाख की जगह ला दी डबल स्टोरी बनाई दो बेटियां ने व्याया एक बेटी ने व्याया तो अज मैंने उठ के मेरी जान तो खो मेरी तो बन लगी है हूँ फिर मेरे सके कहदे हो रहे आग जब किया था सबको कर दिया था सारा बेटी को भी बिल्कुल जी सारा बेटी भी इनके साथ शामिल है। हाँ जी सारी इन्होंने शामिल उस रात भी बेटी साथ थी उस टाइम मेरा ख्याल है पता नहीं आई सी या नहीं है गल तो मैंने नहीं पता लगा बेटी नहीं थी बेटी नहीं सी आया मैंने इन्ना नहीं पता अंदर है सी दूसरे कमरे मैंने तो बंद किया मैंने तो पता ही नहीं सी को रात 11-12 बजे रात ला के आए ठीक है तो मैंने नहीं पता अंदर केड़ा केड़ा चीज तो है वहाँ जब पुलिस आई जी वहाँ पे टोका पड़ा हुआ था इन सब के पास आप कह रहे हैं पिस्टल था पिस्तौल थी हाँ जी हाँ जी दोनों ने तानी हुई थी हाँ जी सर पे तो पुलिस ने सब कुछ बरामदगी की रिकवर किया हाँ लेके गई पुलिस बिल्कुल उत्ते देखा सर और उसके बाद जब केस चल रहा है बरामदगी डाली सारा हाँ जी उत्ते देखा है नहीं पुलिस ने बरामदगी डाली है रिकवरी डाली है नहीं डाली रिकवरी नहीं डाली है यानी वहाँ मौके से पिस्तौल उसके बाद टोका सब कुछ लेके गए हैं वो रस्सियाँ जिनसे बांधा हुआ था वो टेप शेप सब कुछ लेके गए हैं लेकिन बरामदगी कोई नहीं डाली कोई नहीं की थी सर उन्होंने। वरसा के मुताबिक पुलिस ने मुगवी को खुद बाजियाब करवाया और जाए वकुआ से बरामद होने वाली रस्सियां, टेप पिस्टल और टोके का इंदराज भी बरामदगी रिपोर्ट में नहीं किया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बेटे बाप के खून के प्यासे हो गए क्यों बेटों ने बाप को ही अगवा कर लिया था। चाचा आग क्यों किया था आग कितने महीने पहले किया था बच्चों को बस नहीं सी चंगे लगते मैं फिर कल वजह वजह क्या हुई बस औलाद के लिए ही सब कुछ होता है ना आपने पहले भी उनके लिए सब कुछ किया मैं मानना अब जो जगह थी 3 मरले वो थी तो इनके लिए बीवी बच्चे ना चंगे समझन तो फिर उठे के मैं बंदा रहे क्यों क्या वजह थी क्या कहते थे वो सिर्फ जगह मैंने जगह सन देख के दे दे तू साढ़े तो फर्क है जितना देर मेरी जिंदगी है मैंने जगह लेके नहीं देनी है अच्छा मैं मर गया मगर जो मर्जी करते रहे जिम्मे मर्जी वंडिया जे क्यों
पर इस समय जगह नहीं देनी है। बाप तो अपनी जिंदगी में ही उनकी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को जगह नाम कर जाऊं। हाँ जी वो तो होंगी आ, पर जब बच्चे ही ना बीवी ना मेरे ना चंगी रही, सुलह ना की, मैनू ना चंगा समझे, फिर किमें वो हकदार है जगह के जो तो मैंने चंगे ना सर कमाई करके इन्होंने मैं देनी, हर काम इन्होंने मैं देने, निके निके पालिया पालिया पढ़ाया, हर काम इन्होंने मैं किए है। तो मैंने तलाक भी इसी वजह से दी थी। हाँ जी तलाक इसी वजह से दी हुई या कोई और वजह? बस इसी वजह तो मैं तलाक दी हुई है। ये वजह थी? हाँ जी इसी वजह तो मैंने मारना चाहती थी, फिर इन्हू मार के खत्म कर दिए, तो हर से मैं जगह जी मैं अपने कब्जे कर ला। वो जो सज्जाद है? हाँ जी हाँ जी जी जी। उसका क्या ताल्लुक है सारे? बस इन्होंने आन जान उधर उधर है। ये किसका? वो सज्जाद का। आपकी बेबी का? ਇਹਨਾਂ ਜਵੇਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਧਰ। ਜਵੇਦ ਦਾ ਵਾ ਦੋਸਤ ਹੈ? ਆਹ ਜੋ ਜੋ ਉਸਤੇ ਉਸੇ ਕੋ ਲਾਲਚ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਲਾਲਚ ਜੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਆਹ ਵੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਆ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਜਾਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੀਨ ਮਰਲੇ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ ਬੇਟੋਂ ਕਾ ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਕਰ ਦਿਆ। ਬਾਪ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਥਿਆਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬੇਟੋਂ ਨੇ ਬਾਪ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਾਈ। गौर से सुनिए कैसे मुगवी ने अपने भाई को पैगाम पहुंचाकर उससे मदद चाही। कब पता चला आपको वो खातून जो हमसाई थी उसने आके इतला दी? आप भी उधर ही रहते हैं कहीं करीब ही? करीब रहता हूँ। उधर उन्होंने कॉल की हमारे नंबर पे कि आपका भाई उधर जो ना तड़प रहा है, उस पर आपके जो ना भतीजे तशद्दुद कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ना इनके पास आओ। मैंने सोचा शायद पता नहीं वो अपनी मर्जी से गया है या क्या मामला है, ये औरत इनके साथ ना मिली हो, लेकिन जब मुझे हकीकत पता चला कि वाकई भी ये तो इसके साथ, फिर उसने जो खिड़की थी उसके साथ खड़े होकर उससे मेरी बात करवाई। ये रो रहा था, इसकी आवाज़ें आ रही थी। अच्छा, फिर चीख रहा होगा, चला रहा होगा, तो प्यासा सारी रात का भूखा, फिर तशद्दुद की आवाज़ कर दी, पे कॉल की, लाइट बंद कर दी, 15 पे कॉल करके उनको जो है पुलिस को साथ लेके फिर मैं उधर गया हूँ। उधर जाके मौके पर सबको पकड़ा है, ठीक है। बाद में पुलिस ने वो असलहा वो टोका सब कुछ बरामद किया वहाँ से? हाँ, वो पिस्टल बरामद हुआ है, किया बरामद करवाया। हाँ जी ठीक है। उसके बाद जो तफ्तीश आगे चली उसमें बरामदगी नहीं डाली? कुछ भी नहीं है। क्यों? कुछ भी नहीं डाला? कुछ भी नहीं डाला। दबा 365 लगी, वो आगे लगी? हाँ जी, वो इसीलिए लगी। और जो है ना वारिस है, तफ्तीशी है, ठीक है, वारिस है, तफ्तीशी है, एएसआई है, एएसआई थाना सुंदर का, सुंदर का। हाँ, क्या किया उसने? उसको मैंने कहा था भी जो असल मामला आते हैं, जो हकीकत में है वो ही लिखो, लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिखा। एफआईआर आराम से हो गई थी? हाँ जी, वो हो गई थी, बिल्कुल हो गई थी, हो गई थी, ठीक है। और उसको मैंने कटवानी चाहिए वैसे ही कटी, ठीक है। हाँ जी, वैसी जो आपने दरखास्त दी थी उसी के मुताबिक कटी? उसी के मुताबिक हुई। अच्छा, बाद में उधर मैं गया, वो कहता ठीक है आप आए, ठीक है। जब मैं उसके पास गया तो उसका रवैया अच्छा नहीं था। क्या रवैया था उसका? के उसका रवैया था ऐसा कि मुझे पैसे दें, ठीक है। फिर मैंने उसको एएसआई ने थाना सुंदर का जो तफ्तीशी है इस केस का, उसने आपसे रिश्वत मांगी? रिश्वत मांगी। कितनी रिश्वत मांगी? मैंने उसको 5,000 रुपए दिया। अभी वो जो उसका दिया आपने? दिया, 5,000 रुपए रिश्वत दिया, लिया 5,000 के पहले इस बेचारे को किया गया रिश्वत भी ये दे रहे 5,000 रुपया लेने से पहले तो मेरे साथ वो बात ही नहीं करता था, बात ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं कर रहा था। यानी बात करने के लिए, बात सुनने के लिए 5,000 देने पड़े? देने पड़े। आप सच्ची बात बता? सच्ची बात। इसमें अल्लाह पाक गवाह, इसमें कुछ भी जो ना एक दूसरी बात नहीं, मैं मस्जिद में जाके भी ये बात कह सकता हूँ। वरसा के मुताबिक थाना सुंदर के तफ्तीशी अफसर ने एफआईआर दर्ज करने और बात सुनने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत ली। क्या मुद्दई एफआईआर में रद्दोबदल करना चाहते थे या पुलिस अफसर अपनी जेब गर्म करने के लिए कोई चाल चल रहा था? मैंने ये कहा था हकीकत में जो है वो ही लिखो। किस मद में उसने रिश्वत ली? एफआईआर काटने के लिए या क्या कहता था? खर्चा मनी मांगता था? वो मेरी तो बात ही नहीं सुन रहा था। अच्छा जी, मैंने कर दिया ये है, कभी गवाह लाओ। देखो जी, मैं रात 11 ये 10:30 बजे का भाग गया है, तो जिन्होंने खुद रिकवर किया है तो पुलिस सबसे बड़ी गवाह खुद है, खुद है। और वो कह रहे हैं गवाह लेकर आओ, गवाह लेके आओ, जिनके सामने इनको गवाह किया है। हाँ। जिसने गवाह करना उन्होंने पहले बंदे आगे खड़े करने हैं जी, कि इधर ये गवाह बने या ना बने। ठीक है ठीक है, ऐसा जो ना एएसआई साहब ने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। 5,000 दिए, 5,000 भी उनको दिए, और उसके बाद भी कुछ नहीं किया। दो दिन का रिमांड ले लिया, दूसरे दिन जनाब वो जब अपना औरत हो जेल चलेगी, अगले दिन उनकी जमानत होगी, ये सब मिली भगत हो गई जनाब, सब कुछ कोई तफ्तीश नहीं हुई, कुछ भी जेल भेज दिया, कुछ भी नहीं। उसके बाद अगले दिन वो जमानत करवा के अब वो खुली डुली खुली डुली से उधर ही फिर रही। और जो बच्चे हैं और वो जो हमसाया था सज्जाद, जिन सबको वो भी गवाहकारों का मौके से बाजियाब किया, सबसे भी कोई तफ्तीश नहीं की? कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जुडिशियल कर दी है? हाँ जी। रिमांड नहीं लिया उनका? नहीं, दो दिन का रिमांड था, दो दिन का था, उसके बाद रिमांड नहीं लिया? नहीं लिया।
और उन्हें सारे अब वो जेल में है। हाँ जी, वो अभी जेल। तफ्तीश कुछ की नहीं? कुछ भी नहीं की। कोई रिकवरी नहीं डाली? कुछ भी नहीं है जी। यानी केस को वो जो जिन चीजों की वजह से मजबूत करना था, हाँ जी, वो उसने कमजोर कर दिया। कमजोर वजह क्या? को पैसे उनसे भी लिए? पैसे उनसे भी रिश्वत ली है। और उनका जो है ना भाई था ना, जो मेरा बड़ा भतीजा, वो उनमें शामिल नहीं है। और लोगों को वो बताता था कि हमने तो 80,000 रुपया दे दिया है। 80,000 रुपये तो हमारा, ये क्या पार्टी ये कह रही है कि 80,000 रुपये रिश्वत दी है? हाँ जी। वारिस ASI कोई? ASI वारिस कोई? जिसको भी दी, और कह रहे हैं हमने तो 80,000 रुपये भर दिया, हमारा क्या कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और दूसरे दिन वो कह रहे हैं जी ये अपना हमारी माँ आ गई, ये भी दूसरे तीसरे दिन। जब आप पुलिस के पास जाते हैं, इस तफ्तीशी के पास जाते हैं, या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास जाते हैं, या जिस भी अफसर के पास गए हैं, उनसे आपने जाके पूछा है कि ये हमारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है? आपने इन लोगों से तफ्तीश जिस तरह होनी चाहिए वो क्यों नहीं की? जो बरामदगी होनी चाहिए वो आपने क्यों नहीं डाली? तो क्या जवाब मिलता है? आप क्या कहते हैं? अभी हम तो किसी के पास नहीं, अभी जना SP साहब के पास जा रहे थे दरख्वास्त देने के लिए। अच्छा, SP साहब को जो दरख्वास्त आप दे रहे हैं उसमें क्या है? उसमें यही कहना है कि ये बारह से ऐसे ही हमारे साथ ज्यादती की है, ठीक है, जिसने आपको इंसाफ दिलवाना था। हाँ जी, वही ज्यादती कर रहा है। वही ज्यादती कर रहा है। तो आप उसके खिलाफ आप कार्रवाई चाहते हैं? एक तो मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं आप, दूसरा आप इस जो ASI है, तफ्तीशी है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल करेंगे। मुद्दईयों के मुताबिक पुलिस ने मुल्ज़िमान से रिश्वत ली और मुद्दई की बात सुनने के लिए भी रिश्वत ली। तफ्तीशी अफसर ने इंसाफ की बजाय अपनी जेब गरम की। मुद्दई अब तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं। मुद्दईयों के मुताबिक पुलिस ने मुल्ज़िमान से रिश्वत ली और मुद्दई की बात सुनने के लिए भी रिश्वत ली। तफ्तीशी अफसर ने इंसाफ की बजाय अपनी जेब गरम की। मुद्दई अब तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं। क्या इस तफ्तीशी के साथ आपका कोई पुराना कोई झगड़ा चला आ रहा है? कुछ भी नहीं, हमने देखा इसको पहली बार है। मैंने देखा, सीधे साधे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल। तो इस वजह से तफ्तीश का ही बेड़ा गरक कर दिया? कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ किया ही नहीं, एक लफ्ज तक नहीं डाला, कोई रस्सी बरामद नहीं की, ये कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हमारे केस का बेड़ा गरक किसने कर दिया? तो आपको लगता है SP साहब को आप दरख्वास्त देंगे, आप SP साहब से मुलाकात करेंगे तो वो बात सुन लेंगे और तफ्तीश तब्दील हो जाएगी? या तफ्तीश तब्दील करवाना चाह रहे हैं सिर्फ, या आप चाहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो? नहीं, तफ्तीश जो ना तब्दील करेंगे, इनको दोबारा कोशिश करेंगे कि जरा केस दोबारा से जाना शुरू हो। अच्छा, यानी तफ्तीश तब्दील हो सारी? बिल्कुल, क्योंकि इनसे हमें खतरा है दोबारा भी कोई ना कोई कार्रवाई कर सकती है। अच्छा, ये औरत बहुत खतरनाक है। अभी भी कोई दे माइक ने दोबारा जरा? सर वो 5-4 दिन हो चले जितने दी आई आन के बाहर धमकियां लांदी है आपकी बीवी। हां जी, अभी फिर? हां जी, फिर आन के धमकियां लांदी है। आओ यार, आपको धमकियां लगा रही है? वो धमकियां ला रही है। क्या धमकियां लगा रही है? मैं तेन मार के छड़ा, तेरा निबड़ना सी। कत्ल की धमकियां दे रही? कत्ल दी धमकियां ला। ये बताइए बात तफ्तीश। हां जी हां जी हां जी हां जी, पुलिस को बताइए ये बात? नहीं नहीं, पुलिस को बात नहीं बताई? नहीं, फोन करके धमकियां देती है? हां जी, फोन करती नहीं, उथे मिली है पिंड। अच्छा, मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई है। अच्छा। के धमकियां देती रही है। हाँ। मैं तेन मार के छड़ा, निबड़ा जो निबड़ेगा हथ करने। अच्छा। तो चाचा अब क्या इसका हाल है? जिस तरह पुलिस आपके साथ कर रही है, कोई इंसाफ नहीं दे रही। जी जी, आज वो जमाने से रहा हुई है, कल को वो बेटे भी और बाकी जो मुल्ज़िमान है वो भी रहा हो के आ जाएंगे, खुदा ना खास्ता जी जी वो कोई नुकसान भी कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये बिल्कुल हो अभी जी। तो उन्होंने नियत की थी ना मारने की? जी जी हाँ जी हाँ जी, खुदा ना खास्ता आप आके तो कोई और बड़ा नुकसान कर सकते हैं जी। तो इंसाफ फिर किस तरह से मिलेगा? या सोचा हुआ है कि अब मैंने जायदाद दे देनी है? कि जायदाद नहीं देनी? जायदाद नहीं देनी है। अच्छा, जो सर मेरे ना इतो ताकत की था, मैं जायदाद नहीं देनी उन्होंने। अब जायदाद नहीं देनी? नहीं देनी। पहले दे देते, अब नहीं देनी? पहले है सी रहता भी, चल जिवें करने बैग मैंने कर लन के। खुदा ना खासा वो कुछ भी करते नहीं। हाँ, देनी जायदाद वो नहीं देनी है। तो अल्लाह ना करे आपकी तो जिंदगी को खतरा है। हाँ जी बिल्कुल, मैं सर अपनी शादी करा ला या मैं होर भरावा ला दें या जो कितने मर्जी कितने मैं ला दें, बच्चों नहीं देनी? बच्चों जगह नहीं देनी। शादी करनी है वैसे दूसरी? इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म नाल, मेरे अल्लाह ने चाहा तो निजत है। हाँ जी हाँ। अच्छा, इंशाल्लाह पूरी मंसूबा बंदी है? हाँ जी, पूरा मंसूबा बना लिया है शादी का? इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म नाल, अल्लाह से छुट्टियां डोरियां, रिश्ता वगैरह देख लिया हुआ है? अल्लाह देगा। बाप ने अपनी जायदाद से बेटों और साबका बीवी को आग कर दिया है और अब वो दूसरी शादी करके घर बसाना चाहता है। सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी शादी का मामला इस शर्मनाक वाकये की वजह बन गया हो? अच्छा, तो बीवी को ये तो नहीं पता चल गया था कि इसने शादी दूसरी करनी है, तो इस वजह से ये सारा मामला तो नहीं हुआ?
इस मामले नहीं वेखदी हो। अच्छा बस यही है भी जगह जायदाद मिल जाए, बस जायदाद शादी एक छोड़ के चार शादियां करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, जायदाद नहीं जान देने सी। अच्छा। उससे मरी पई जायदाद से मुंडे भी थे वहाँ भी जायदाद से मरी खड़ी। चाचा आप क्या चाहते हैं, क्या अपील आप करते हैं, आप कोई हुकूमत से, आप अफसरान से जो पुलिस के बड़े हैं उनसे क्या अपील करते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह इंसाफ होना चाहिए? सर ये अभी ये तो फर्क कर देती है, मैं अपना जो मर्जी मैं करा, मैं इन्होंने वेख के नहीं राजी होना गा। इन्होंने जी ज्यादती की थी, इन्होंने जी जासी की थी ना, ये पूरे हर थान से जी खलर गई है, अंग साक भैन भरावान च पूरे इलाके च है। हाँ, और जड़ी उस तो बाद ज्यादा थी पुलिस कर रही है, जो तफ्तीशी कर रहे हैं। हाँ जी, रिक्वेस्ट आप क्या रिक्वेस्ट कोई करना चाहेंगे? जी सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो है ना जो तफ्तीशी है वारा साहब वो जो ना जिस तरह केस उन्होंने इसको खराब किया है, रिश्वत भी ली है, रिश्वत भी ली है आपसे भी ली है और मुलजमान से भी ली है, सबसे ली है। अच्छा। ठीक है, तो इसको जो ना इनको पूछा जाए क्यों ये ऐसा क्यों हुआ है, हमारे केस का बेड़ा करके ऐसे उन्होंने क्यों किया। सीसीपीओ साहब आजकल बड़े जाके तो वो छापे मारते हैं, जाके दौरे करते हैं जी, जो थाने हैं वहाँ पहुँचते हैं जी, तो मेरा ख्याल है कि शायद वो उनके दौरे का पहले पता चल जाता है ना, वहाँ पे कुछ साइल होता है, साइल होता है तो वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहा होता है, और असल जो जुल्म है वो इस तरह हो रहा है। आप इतनी बड़ी मिसाल हैं, जीती जागती मिसाल हैं कि थाने के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं बदला, वैसे का वैसा है, रिश्वत भी ली जा रही है और जिनके साथ ज्यादती हुई है उल्टा उन्हें तंग किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। तो सीसीपीओ साहब को जाके मिले ना कि आपके वो जो दौरे हैं वो कहाँ आए, मेरे थाने में भी सुंदर थाने आए दौरा करें, मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं साहिल हूँ, मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, एक आपका छोटा सा अफसर ASI है वो मेरे साथ ये ज्यादती कर रहा है, तो ये उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल, होगी कार्रवाई लगता है आपको? इंशाल्लाह होगी। मुलजिमान और मुबैना रिश्वतखोर तफ्तीशी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महज 3 मरले की जायदाद के लिए बाप को अगवा करने और अकदामे कत्ल जैसे घनावने जुर्म करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस हुकाम को इन वाकयात की तहकीकात करके अपनी सफों से काली भेड़ों को निकाल बाहर करना चाहिए, ताकि सायलीन को अपनी बात कहने के लिए रिश्वत न देनी पड़े। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।